नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेसन वन के कुछ 60 क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबों प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होगा? तो इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबों प्रवेश करता है, तो उसका गति का जो पथ होगा वो कैसा होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋणावेशित कण होता है, तो ऋणावेशित कण होने के कारण इस पर जो उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो उसकी गति के लंबवत कार्य करता है, तो बल लंबवत कार्य करने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार हो जाता है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन में दिया गया कि जो आवेशित कण होता है उसके भार को वैद्युत क्षेत्र में कैसे संतुलित करना है? तो इसका उत्तर है, यदि वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल कण के भार के बराबर और विपरीत होता है तो कण संतुलन की अवस्था में होता है। यानी कि जो आवेशित कण है उस पर जो वैद्युत बल कार्य करता है, यहाँ पर वैद्युत बल को लिखते हैं एफ बराबर क्यू ई से, तो आवेशित कण पर जो वैद्युत बल कार्य करता है अगर उस बल का मान उस कण के भार के बराबर हो जाता है, तो कण के भार के बराबर होने पर और साथ ही साथ जो है उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। वैद्युत बल का मान तो कण के भार के बराबर होना चाहिए लेकिन वो विपरीत होना चाहिए, अगर ये कंडीशन लागू होती तो फिर कण जो है वो संतुलन की अवस्था में होता है। के बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित होने का आशय बताइए। तो इसका उत्तर है, सामान्य अवस्था की तुलना में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी उसके धनावेशित होने को तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उसके ऋणावेशित होने को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि वहां पर धनावेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो फिर वहां पर ऋणावेश होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित होने का आशय बताइए। तो धनात्मक आवेशित होने का आशय, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और ऋणात्मक आवेशित होने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वैद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। तो वैद्युत आवेश के जो दो मूल गुण होते हैं, इसमें पहला होता है आवेश का संरक्षण और दूसरा होता है आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? तो क्वांटीकरण का जो मूल कारण है वह यह है कि वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है, यानी कि आवेश जो क्वांटीकृत है उसका मूल कारण बताना था। तो उसका मूल कारण यह होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं, यानी कि कूलाम के नियम की कौन कौन सी परिसीमाएं हैं? तो कूलाम का नियम दो स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए सत्य है, यानी कि कूलाम का नियम जो होता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, तथा आवेशों के बीच की दूरी r इज लेस देन 10^-15। यानी कि अगर जो दूरी है दोनों आवेशों के बीच की वो 10^-15 मीटर से कम है तो उसके लिए फिर यह नियम सत्य नहीं होता है। तो इसकी दो सीमाएं थी, पहली सीमा थी कि दोनों वैद्युत आवेशों के लिए नियम सत्य होता है, स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए नियम सत्य होता है, और आवेशों के बीच की दूरी अगर 10^-15 मीटर से कम है तो उसके लिए यह नियम सत्य नहीं होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के परावर्तितांक की परिभाषा दे दी, यानी कि जो माध्यम का परावर्तितांक के होता है उसकी परिभाषा ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप परिभाषा बना सकते हो इसे, देखो यहाँ पे दोनों बटे में दिए गए, बटे का मतलब होता है अनुपात। तो आप बोल सकते हो किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावर्तितांक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तथा इनकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो बल रेखाओं की संख्या होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, और जो बल रेखाओं की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।